आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में ऐतिहासिक आगरा किले के सामने कार से बैटरी रिक्शा की टक्कर के बाद कार सवार को ने गरीब रिक्शा चालक को बुरी तरीके से पीटा। वहीं पूरा मामला वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों के सामने होता रहा, पर किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वहीं पुलिस अब आरोपियों की तलाश की बात कर रही है। आपको बता दें कि आगरा किले के सामने अमर सिंह द्वार चौराहे पर कार सवार को की बैटरी रिक्शा चालक से टक्कर हुई। पहले कार सवार को ने रिक्शा चालक को गालियां दी, फिर रिक्शा चालक ने जब गलती ना होने की बात कहकर विरोध किया तो कार सवार गाड़ी से उतर आए और बीच सड़क पर रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। चालक बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं वीआईपी चौराहे पर बीचों बीच मारपीट होती रही। सड़क पर काफी देर तक लंबा जाम भी लग गया, पर किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। वहीं पुलिस के होमगार्ड भी मौके पर मौजूद थे, पर उनमें से कोई भी बचाने नहीं आया। आपको बता दें कि मारपीट करने वाले कार सवार कोई युवा ना होकर अधेड़ थे। इसके बाद भी उन्होंने गुंडई की। आपको बता दें कि कार सवार किसी कंपनी के अधिकारी बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।